अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज की सालाना 812वें उर्स में पाकिस्तान का जाब्ता 14 जनवरी को पहुंचेगा। इसे लेकर अजमेर के नया बाजार स्थित सेंट्रल गर्ल्स स्कूल में तमाम व्यवस्था को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पाकिस्तानियों की स्पेशल ट्रेन 13 जनवरी को दिल्ली पहुंचेगी, जहां करीब 400 पाकिस्तानी जारीन स्पेशल ट्रेन के माध्यम से अजमेर पहुंचेंगे। इस दौरान 250 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे, जिसमें स्पेशल और इंटेलिजेंस के अधिकारी और जवान भी शामिल रहेंगे। अजमेर के सेंट्रल स्कूल में इसे लेकर व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। रिटायर्ड RAS सुरेश सिंधी ने बताया कि उन्हें व्यवस्था को लेकर लगाया गया है। उन्होंने बताया कि 14 जनवरी को पाक जारीन अजमेर पहुंचेंगे, इसे लेकर तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। इस दौरान उनके रहने खाने पीने से लेकर तमाम व्यवस्थाएं सुचारू रूप से रखी जाएंगी। वे करीब 7 दिन यहाँ रहेंगे। सर्दी के मौसम को ध्यान रखते हुए गर्म पानी से लेकर उनके नहाने और खाने के बेहतर इंतजाम होंगे। इस दौरान किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दी जाएगी। साथ ही उनकी सुरक्षा को लेकर इंटेलिजेंस CID से भी तैनात की गई है, जो एक एक व्यक्ति पर नजर रखेंगे। दरगाह में आने और जाने का रिकॉर्ड रखा जाएगा, जहाँ वे मेले की धार्मिक रस्मों में शिरकत करते हुए वहाँ कुछ समय भी बिताएंगे। पाकिस्तान की ओर से चादर पेश कर अमन चैन और भाईचारे की दुआ भी होगी। जारीन यहाँ अपने बताए कमरे में कैद रहेंगे और अपने परिजन मित्रों के लिए हैदर भी करेंगे। जानकारी के अनुसार उन्हें नगर निगम की सीमा में ही जाने की अनुमति होगी। सुरक्षा का ध्यान रखने के साथ ही इस मौके पर तमाम व्यवस्थाएं पूरी की जा रही है। के तहत दोनों देशों के तीर्थ यात्री एक दूसरे देशों में आते जाते रहते हैं विभिन्न कार्यक्रमों पर। इस बार हर साल की तरह 812वें उर्स में 2024 में जनवरी 14 को पाकिस्तानी यात्रियों का जत्था यहाँ आ रहा है। 500 लोगों ने आवेदन किया है लगभग, और उनमें से 400 के लगभग लोग यहाँ आने की सूचना प्राप्त हुई है। उनके लिए अजमेर शहर के केंद्रीय बालिका विद्यालय पुरानी मंडी में ठहरने की व्यवस्था की गई है। स्कूल खाली करवा लिया गया है और सफाई की व्यवस्था रंग रोगन हो गया है। शेष बिजली, पानी, गर्म पानी, तकिए, बिस्तर, टेलीफोन, मेडिकल डिस्पेंसरी और भोजन के लिए भी एक रेस्टोरेंट और नाई और धोबी की व्यवस्था भी की जा रही है। सर, किस तरह से पाक जारीन, किस तरह से धार्मिक कार्यक्रम करेंगे, क्या कार्यक्रम? पाक जत्थे के यात्री दरगाह में आते रहेंगे, जाते रहेंगे। दरगाह में 7 दिन तक लगभग कई प्रकार के विभिन्न कार्यक्रम उसके दौरान होते हैं। यहाँ से एक एक समूह में उनको जाने दिया जाएगा और हर समूह के साथ राजस्थान सरकार के CID के कुछ कार्मिक उनके साथ रहेंगे और उनको उनके लिए निर्धारित स्थानों पर उनके साथ जाएंगे और उनको वहाँ ले जाएंगे। दरगाह में भी वो लोग अपनी इबादत कर सकें, अपने धार्मिक कार्यक्रम संपन्न कर सकें, इसके लिए उनको इजाज़त रहेगी। सर, सरवाड़ स्थित दरगाह में जाने की इजाज़त? अभी इसकी मुझे जानकारी नहीं है सरवाड़ वाले की। इनके आने का कार्यक्रम जब आएगा इनका, तब उसका कल तक यहाँ पर शिक्षा विभाग, नगर निगम, बिजली, पानी और मेडिकल, इन डिपार्टमेंट्स की सेवाएं ली जा रही हैं।